उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के बैबरू कस्बा के मुख्य मार्गों पर सड़कों से जबरन बस एवं टेम्पो स्टैंड बनाकर गुंडई से वसूली की जा रही है। भाई अवैध स्टैंडों से आए दिन जाम की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। व्यापार मंडल सहित सामाजिक धार्मिक संगठनों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला बैबरू कस्बा का है, जहाँ पर मुख्य सड़कों पर अवैध स्टैंड बनाकर संचालित किए जा रहे, वही गुंडई के बल पर वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर व्यापार संगठनों ने उप जिला अधिकारी सुरभि शर्मा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, किस प्रकार का ज्ञापन था? आज बबेरू कस्बे के सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर के, जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने एक माह पूर्व एक आदेश जारी किया था कि कस्बे के मुख्य सड़कों पर बस स्टैंड टेम्पो स्टैंड नहीं रहेंगे, तो हमारे स्थानीय बबेरू प्रशासन ने उस पर कुछ कार्य किया है। दो रोडों पर बकाये से सभी मार्गों पर, मुख्य मार्गों पर अभी टेम्पो स्टैंड बस स्टैंड नहीं हटे हैं। उसी के संदर्भ में आज उप जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि आप 6 तारीख तक ये इन मांगों पर विचार करके टेम्पो बस स्टैंड हटवा दें, अन्यथा हम 7 तारीख को मुख्य चौराहे पर धरने पर बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुधीर अग्रहरी, नगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन।